मित्रों नमस्कार। कैसे हैं? माँ दुर्गे से जगत जननी, माता दुर्गे माँ से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल से हों। हम नवरात्र के साथ साथ पवित्र पर्व, हमारे मुकद्दस रोज़ा भी शुरू हो चुके हैं, उसकी भी शुभकामनाएं हम देते हैं। और ये दोनों पर्व, चाहे नवरात्र हो चाहे इस समय रोज़ा, इन दोनों पर्वों में हम मानवता की, इंसानियत की खुशी के लिए परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं और व्रत रहते हैं। उसमें भी हमारा उद्देश्य होता है कि जन कल्याण हो, जन जन हर व्यक्ति खुशी हो। रोज़ा में तो लोग बताते हैं, कहा जाता है कि जो ज़कात निकलती है इस अवसर पर गरीबों को दी जाती है, उस कम्युनिटी के गरीबों को दी जाती है जिनकी परेशानी है। इसी तरीके से नवरात्र में भी हम लोग जो व्रत करते हैं, व्रत के बाद जो पारण होता है, तो पारण में इस बात का प्रयास है, इस बात की व्यवस्था है कि हम जो दुखी हैं, निर्धन हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी अगर व्रत है तो पारण कराएं, उनकी भी कोई परेशानी तो दूर करें। और मित्रों, इस समय कोरोना काल है। कोरोना काल में बड़ी विचित्र बातें हैं। एक तरफ तो हम जब आपसे कहते हैं कि भीड़ से बचें, दूसरी तरफ हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होता है, वहाँ की तस्वीरें टीवी पर देख करके सिहर उठता हूँ। कितनी भीड़, कितनी घाटों पे भीड़ है। मित्रों बचे, वहाँ मत जाइए। अभी कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि अपने जो मानव की दी हुई देह है, शरीर है, अपना जीव है, उसको कष्ट में डाल करके आप धार्मिक संस्कारों को करें। बिला वजह आप जा रहे हैं। आप जब जीवन रह जाएगा, जी है तो जहान है, फिर आप कुंभ मेले में चले जाइएगा। इसी तरीके से और जगह पर तो चुनाव खैर संपन्न हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में भीड़ देख करके ऐसा लगता है कुछ तो गाने बने हुए हैं कि कोरोना जो है पश्चिम बंगाल से उसको पास नहीं मिला है, और या क्या क्या बहुत से बना, वो सच लगता है व्यंग, लेकिन सच है। इतनी भीड़ है, इतना वो है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले साल थाली बजवा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, इस बार भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में कि हम चुनाव जीत जाएं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी लोग इस कदर भीड़ लगा रहे हैं। इतने कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात कल्पना से परे है, कोई मास्क नहीं लगा रहा है, यानी जो मंच से भाषण दे रहे हैं वो भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी भाषण देते वक्त मास्क नहीं लगा रहे हैं, अमित शाह जी भी नहीं लगा रहे हैं। तो जब ये हमारे आदर्श ऐसा कर रहे हैं, तो फिर हम पब्लिक से कैसे कहें। पब्लिक से हमारी कल एक जगह पे जा रहे थे, तो गाड़ी से मैंने शीशा खोल के कहा कि भैया आप मास्क क्यों नहीं लगाते, तो उसने मुझको तुरंत से उत्तर दिया, आपने अमित शाह जी से पूछा वो मास्क क्यों नहीं लगाते, कुंभ में स्नान करने वालों से पूछा कि मास्क लगा करके डुबकी लिया करो, मैं निरुत्तर हो गया। कल एक हमारे जानने वाले मित्र ट्रैफिक सिपाही हैं, वो बताने लगे अपना दर्द कि इतना लड़ाई होती है, इतना डांटते हैं हमको, जिनको रोकता हूँ उनसे गाली गलौज तक हो जाता है, हम लोगों की हालत बड़ी ख़राब है, हम लोग तो रोकने का प्रयास करते हैं लेकिन वो उल्टे लड़ जाते हैं, जुर्माना हम लोग नहीं लेना चाहते, जब जुर्माना लगाते तब भी लड़ाई होती है, न जुर्माना लगाओ खाली समझा करके उनको बताना चाहो तब भी लड़ाई होती है। तो ऐसे में मित्रों क्या कहा जाए, सरकार कितनी सजग थी पिछले वाले कोरोना वेरिएंट पे, भारत ने पूरे विश्व का नेतृत्व कर दिया था। अब भी टीका वगैरह में हम आगे हैं, बहुत अच्छा सरकार प्रबंध कर रही है, कितना सब कुछ किया था। अब बता रहे हैं लॉकडाउन नहीं लगेगा, खैर ठीक है लॉकडाउन नहीं लगे, बहुत लोगों को होता, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं लगेगा ये स्थितियाँ होंगी तो लाशें हिला से बीत जाएंगी। तो मित्रों
हम कुछ नहीं कर सकते। कम से कम आपसे मेरी गुजारिश है कि सब लोगों को चाहिए कि स्वयं का स्व अनुशासन लाइए और अपनी तरफ से अपने ऊपर लॉकडाउन लगा लीजिए। अगर बहुत ज़रूरी आपका व्यवसाय नहीं है, बहुत ज़रूरी जाना नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं जाना है, तो आप घर से मत बाहर निकलिए। घर से निकलने में सिवाय संकट के, सिवाय कष्ट के कुछ नहीं है। आज मेरा मन था किसी दूसरे विषय पे वीडियो बनाने का, लेकिन नहीं बना पाया। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने टीवी पे समाचार देखा तो वो देख करके सिहरन, टीवी वाले पत्रकार दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ कितनी शमशान घाटों में लाशों को क्यू लगी है, लाइन लगी है, टोकन लेना पड़ता है, रात भर लाशें जलती हैं, दिन भर लाशें जलती हैं। तो मित्रों, ये हालात बड़े खराब हैं, विश्व के हालात खराब हैं। इस समय हम दुनिया में कोरोना में नंबर दो पे हैं। सरकार की अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी मजबूरी है, अपनी व्यवस्थाएं हैं, लोकप्रियता देखना चाहते हैं, चुनाव जीतने की मजबूरी है, हर दिल पर, हर जगह पर इतना राशन, इतना मजदूरी, ये सब लॉकडाउन लगाने से बड़ी दिक्कतें होती हैं, हम समझते हैं, परेशानी होती है, लेकिन हमें अपने ऊपर लॉकडाउन लगाने में तो कोई परेशानी नहीं होती। अगर हमारा काम चल सकता है तो घर से बाहर न निकलें, मंदिर न जाएं, मस्जिद में चार पांच लोग ही जाकर के अगर नमाज पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। घर से अपने जो कुरान पढ़ने की कुरान खानी होती है वो करें, दुर्गे माँ का पूजा घर से करें, घर में माँ स्वयं उपस्थित हो जाएंगी। आप पूरा पाठ करिए, सप्तशती का पाठ मैं करता हूँ, रोज़ करता हूँ, लगभग 2 घंटे की पूजा मेरी रोज़ होती है, आप भी कर सकते हैं, आप करिए, नहीं 2 घंटे 15 मिनट करिए, 20 मिनट करिए, माँ से इस बात की प्रार्थना करिए जगत का कल्याण करें, मानवता की रक्षा करें, इस महामारी से बचाएं। और महामारी इतनी विशाल काय डरने वाली नहीं है, ये सब बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से दूर हो सकती है। हमें क्या करना है, हमें हर समय हर कम से कम 3 बार गर्म पानी पीते रहना है और दिन में 24 घंटे में 3 ही बार भाप लेना है। भाप नाक से ले, मुंह से छोड़ें, मुंह से ले, नाक से छोड़ें। इस अंतराल से आपको गर्म पानी में भाप लेना, भाप लेना बहुत आवश्यक है। इससे बढ़ के कोई इलाज, कोई टैबलेट, कुछ भी नहीं। और काढ़ा वाढ़ा के विषय में तो आप जानते हैं, हम क्या बताएं, वो जो प्रचलन है, जो देहाती प्रचलन है, जो आयुर्वेदिक प्रचलन है, वही इसको ठीक कर सकता है। कोई सरकारी टैबलेट और गवर्नमेंट के जो एलोपैथिक है वो सब ठीक है, लेकिन कोई इसकी बहुत ही पक्की इलाज की दवाई नहीं, यही सब चीज़ें हैं। हाँ, अगर बुखार आता है तो पैरासीटामॉल या उसकी उसी जात की दवाइयाँ और ख़रीद सकते हैं। तो ये सब चीज़, कोरोसिन है, ये सब चीज़ें रखिए। बुखार आने पर अपने को नियंत्रित करिए, बाहर न निकलिए। अगर मान लीजिए आपको हो सकता है कोरोना बुखार न हो, कोई दूसरा बुखार हो, लेकिन उस बुखार में भी आपको अगर वो बुखार है तो उस पर कोरोना जल्दी प्रभाव डाल सकता है आपके ऊपर। तो मेरी उम्र भाई 67 साल की है, मैं कोशिश करता हूँ न निकलूँ। और हाँ, जो अगर 45 साल से ऊपर के लोग हों, टीका जरूर लगवाएं। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि टीका लगने से ज़्यादा हो जाता है, ये सब बकवास है। मेरा 16 तारीख का ड्यू है, अगर 16 तारीख को शायद कुछ डेट कुछ टाइम और बढ़ा दिया गया, लेकिन मैं अपने जो ड्यू डेट है उस पे जाऊंगा, 16 अप्रैल को मैं टीका लगवाने जाऊंगा। आप भी अपने पड़ोस में टीका ज़रूर लगवाइए। मित्रों, एक मेरा मन है कि मैं अपनी संघर्ष गाथा क्रमशः यूट्यूब पे पेश करूं, अपने विषय में बताते हुए, और मैं शुरुआत करूंगा, फिर दूसरे लोगों को संघर्ष गाथा बताने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि बृहस्पतिवार, गुरुवार को अगले एपिसोड से, अगर हमारे स्वास्थ्य, हमारे कोरोना पे कोई विशेष आपको सूचना नहीं देनी होगी, तो ज़रूर हम बृहस्पति से वो शुरू कर रहे हैं।
और आप लोग कैसे हैं, देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल, आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात मिलती है। आप सब जानते हैं, हम बता देते हैं वही बातें, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन बताना का क्या करें, हम भी संवेदनशील हैं परिस्थितियों से, हमें चिंता है आपकी, आपके परिवार की चिंता है, चाहे दिव्यांग हो, चाहे सकलांग हो, चाहे दिव्यांगों के अभिभावक हों, चाहे दिव्यांगों के मित्र हों, आप हैं तब हम हैं, आप ही हमारे संरक्षक हैं, आप ही हमारे हितैषी हैं, आप ही हमारा पालन पोषण करते हैं, तो हमें आपकी पहले चिंता है, फिर दिव्यांगों की चिंता है। दिव्यांग जगत से मेरा अनुरोध है कि कृपया दुस्साहस न करें। इस समय उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव चल रहे हैं, खैर चुनाव में ज़्यादा भीड़ तो नहीं होती, कोई ज़्यादा ऐसा तो नहीं करता, लेकिन 20-25 लोगों की टोलियाँ चलती हैं तो बगैर मास्क के निकलती हैं, तो बड़ा ख़राब है। मास्क लगा के जाइए, आपके पड़ोस में, अगर आपके पास गांव में ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बात मान के मत चलिए, ग्रांटेड मत लीजिए कि गांव में नहीं होगा, गांव में भी हो सकता है, तो आप लोग ज़रा संभल के रहें। विशेषकर मैं दिव्यांगों से ज़रूर कहता हूँ कि वो बाहर न निकलें। बेटा, भाइयों, मित्रों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बहुत स्थिति खराब है, डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं अस्पतालों में, ट्रीटमेंट पड़े हैं, बिस्तर बेड नहीं है, बड़ा शोर से लगवा करके तब आपका अस्पताल मिलता है, और घर पे आइसोलेशन में रह करके आपके परिवार में भी हो जाने की संभावना है, परिवार वाले भी आपसे कन्नी काटेंगे, तो इसलिए ये नौबत ना आने पाए, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कोरोना से बचें। अगर कोरोना आपके संबंध में, मित्र में, संबंधियों में कहीं मौत हो गई हो कोरोना से, या सामान्य मौत भी, तो आप देखने मत जाइए, उसके लिए घर से बैठ करके श्रद्धांजलि दीजिए, उनके घर वालों से अपनी संवेदना टेलीफोन से व्यक्त कर दीजिए, जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरी बात मानिए प्लीज, मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूँ, इसमें अपना साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपने को बड़ा मजबूत, बड़ा पुष्ट रखिए, खुश रहिए, हर समय टीवी पर वही कोरोना 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 मत देखिए, लाशें मत देखिए, वहाँ ये चीज़ है, टीवी वाले तो अपना इस समय बढ़ा चढ़ा के भी देते हैं, बहुत हाहाकार मचाएं, ये हो गया वो हो गया, सही है बात, लेकिन वो कोई इतना अफरा तफरी मच जाए, आप इतना दुखी हो जाएं, आप इतना परेशान हो जाएं कि वो देख देख करके आप अगर न बीमार होते हो, तो हमारे एक पड़ोस में थोड़ी दूर पे हैं, उनके कोरोना वरोना कुछ नहीं था, लेकिन उनके पति बीमार हो गए, और मनोवैज्ञानिक रूप से वो इतना बीमार हो गए कि उनका स्वर्गवास हो। एक पड़ोस में हमारे रिलेशन में ही है, एक बात बता रहे हैं, उनके मामा जी और मामी जी दोनों बीमार थे, मामी जी को कोरोना था, मामा जी स्वस्थ थे, मामा जी उनको पानी देने जाते थे, बाहर धरखाते थे, वो आइसोलेशन में थी, क्वारंटाइन थी घर पे, और पता चला सवेरे वो पानी का इंतज़ार कर रही थी, पति देव पानी देने आए ही नहीं, उनका चाय देने आए नहीं, तो फिर उन्होंने पता लगाया, बेचारी उठर के किसी तरीके से गई, पता चला पति जी का स्वर्गवास हो गया, पति जी को कोरोना नहीं था। तो ये सब बातें आपको बता रहा हूँ, प्लीज आप नोट करिए, आप थोड़ा संवेदनशील बनिए। इसी बात पे अब आप कहेंगे कि सब टीवी वाले डरा रहे हैं, आपने भी डराना दिव्यांगम चैनल पे शुरू कर दिया, मेरा आशय नहीं, सिर्फ मैं आपको सजग कर रहा हूँ, आपको आगाह कर रहा हूँ, इस बीमारी को हल्के में मत लीजिए, अगर गंभीरता से नहीं लेने के बाद, डरने की बात मैं कह रहा हूँ, डरिए मत, न डरिए, न कोई ऐसा है, हुआ भी नहीं है, लेकिन इतना सरल भी नहीं है कि आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। तो मित्रों, बड़ी हमारी शुभकामनाएं हैं, हैं, और आपके साथ यही कहता हूँ, तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 20,000, तुम जियो हजारों साल। मित्रों नमस्कार, कल फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ। शुक्रवार है, शुक्रवार को प्रवीण सिन्हा जी का दिन होता है, प्रवीण सिन्हा जी एक नए वीडियो के साथ आएंगे, प्रवीण सिन्हा जी की मोटिवेशनल स्पीच बड़ी अच्छी होती, आप ज़रूर सुने। नमस्कार।